स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो यहाँ पे फर्जीवाड़े को लेकर एक न्यूज़ आई है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं किस जिले से आई है न्यूज़ और आखिर में ये मामला है क्या। तो ये आरा से न्यूज़ आई है। आरा के शिक्षक के नाम पर बक्सर के गुरुजी ने भर दिया फॉर्म। बक्सर जिले में फर्जी तरीके से बहाल गुरुजी व उनके कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भोजपुर जिले के शिक्षक का सक्षमता 2 का फॉर्म बक्सर के किसी गुरुजी ने भर दिया है। इस कारण वास्तविक शिक्षक का फॉर्म अस्वीकृत होता जा रहा है। परेशान शिक्षक ने जिला शिक्षा कार्यालय बक्सर में डीपीओ स्थापना को पत्र देकर जांच की मांग की है। डीपीओ स्थापना को दिए आवेदन में पीड़ित शिक्षक राजेश कुमार ने कहा है कि वह मूल रूप से भोजपुर जिले के अगियाँव थाना क्षेत्र के बहाउड नारायणपुर गाँव का निवासी है। जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक विषय अंग्रेजी के पद पर पीरो प्रखंड के राम भरत सिंह उच्च विद्यालय खन्नी कला में 2007 से कार्यरत है। पीड़ित शिक्षक ने दिए आवेदन में कहा है कि वह दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है। सक्षमता परीक्षा 2 का फॉर्म भरने के दौरान दक्षता परीक्षा के बारे में जानकारी मांगी गई। जब पूरी जानकारी अपलोड करने के बाद वेबसाइट पर अंतिम सबमिट करने लगा, तब साइट पर लिखा गया कि आपका आवेदन पूर्व में भरा गया। जाँच करने पर यह ज्ञात हुआ कि राजेश कुमार दक्षता के रिजल्ट मार्कशीट पर रोल नंबर पर बक्सर के किसी अभ्यर्थी गुरुजी ने फॉर्म भर दिया है, जिस कारण वह सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहा है। इधर डीपीओ स्थापना विष्णुकांत राय ने कहा है कि शिक्षक के आवेदन पर जांच होगी। वहीं दूसरी ओर यह बड़ा सवाल हो रहा है कि राजेश कुमार की दक्षता रिजल्ट व उससे संबंधित सभी जानकारी बक्सर के गुरुजी के पास कैसे पहुँची। यहाँ देख सकते हैं रोज़ नए नए फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो रहा है। और यहाँ पर सक्षमता 2 का फॉर्म भर रहे थे भोजपुर जिले के शिक्षक और वो दक्षता पास थे। जब वो अंतिम सबमिट करने लगे फॉर्म को ऑनलाइन, तो उसमें दिखाने लगा कि आपका ऑलरेडी सबमिटेड है फॉर्म, इसलिए उनका फॉर्म नहीं भराया। तो अब इस पर जाँच चलेगी, तब देखने वाली बात होगी कि इनका जो जितने भी डिग्री हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के टीचर के हाथ कैसे लगा। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। जो भी होगा आपको हमारे चैनल पर देखने सुनने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।